इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी है और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 6:28 तक रहेगी। आज देर रात 1:10 तक वज्रयोग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 6:29 से शुरू होकर कल सुबह 6:50 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 8 अगस्त की शाम 7:20 से अगली सुबह 5:31 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 14 अगस्त की सुबह 7 बजे से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:45 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 1:31 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर बाद 3:50 से शाम 6:28 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 8:43 से 9:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अगस्त की सुबह 5:49 से 10:44 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए अच्छा मुहूर्त आज शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:38 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:31 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:38 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:31 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर बाद 3:50 से शाम 6:28 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 11 अगस्त की सुबह 10:52 से शाम 4:54 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है सुबह 6:38 पर और दोपहर 1:31 तक जारी रहेगा। और फिर साथ ही आज ही एक बार फिर दोपहर बाद 3:50 से शाम 6:28 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज यह अशुभ समय 8 अगस्त की शाम 7:20 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष कर्क धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बार तो और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:47 से 12:28 तक। लखनऊ 10:32 से 12:12 तक। भोपाल 10:47 से 12:26 तक। कोलकाता 10:04 से 11:42 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:45 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:40 से दोपहर 12:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम।
और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, उनके साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बनाएंगे। पिता के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम आज पूरा हो जाएगा। शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। बिजनेस डील के लिए किसी दूसरे शहर की यात्रा पर जाएंगे। आज हर किसी से आपका व्यवहार बेहतर बना रहेगा। इस राशि के प्राइवेट नौकरी करने वालों को सीनियर्स का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आज फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज पूरे दिन आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। हर काम को पूरा करने में आज कम से कम समय लगेगा। इस राशि के बायोलॉजी टीचर्स के लिए आज का दिन अवार्ड और सम्मान दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रिय छात्र आपका सहयोग करेंगे। बिजनेस में नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। सरकारी नौकरी वाले लोगों को अपने सहकर्मियों से पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में किसी दोस्त से वाद विवाद होने की संभावना है। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रसिद्धि दिलाने वाला रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी बड़े प्रोफेसर का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरानी पहचान का फायदा मिलने वाला है। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। घर में आपको भाई बहन का सहयोग मिलेगा। करियर में आपकी तरक्की सुनिश्चित है। इस राशि के अविवाहित लोगों के पास शादी का प्रस्ताव मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। किसी प्राइवेट कंपनी से जॉब के लिए आपको कॉल आएगी। आज आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा और मजबूत रहेगा। आप कोई नया काम करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपको बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आपको पार्टनर से कोई गिफ्ट मिलेगा। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स की आज कोई नई डील फाइनल होगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है, जिससे भविष्य में आपको काफी फायदा होगा। आपकी माता के स्वास्थ्य में आज सुधार आएगा। आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी, साथ ही सभी जरूरतें भी पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज ऑफिस में आपसे कुछ लोग मदद लेंगे। आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। आज किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आप अपने मन की बात शेयर करेंगे। अगर आप कुछ दिनों से आँख संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आज आपको उससे छुटकारा मिलेगा। सभी मुश्किलों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज समाज से जुड़े किसी संगठन की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। इससे समाज में आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी दफ्तरों में फंसा हुआ काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद है। महिलाओं के लिए दिन बेहतर रहेगा। आपको घर वालों से पूरी तरह से सहायता मिलेगी। आज आप अपने किसी दोस्त के घर पर उससे मिलने जाएंगे। बच्चे काम में आपका हाथ बटाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ हर जगह होगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास लेकर आया है। आज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप देश की राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आज माता पिता अपनी संतान की कोई इच्छा पूरी करने में सफल रहेंगे। आपको आमदनी का कोई नया सोर्स मिलेगा। सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, कुछ दिनों से चली आ रही समस्या का समाधान आज आसानी से निकल आएगा।
कार्य क्षेत्र में आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, लोग आपसे कोई काम सीखना चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपने काम के लिए आपका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। आपको किसी को भी उधार पैसा देने से बचना चाहिए। साथ ही घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस बना कर रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। इस राशि के बुकसेलर्स के लिए आज का दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी सेल ज्यादा होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में अच्छी छवि बनाकर रखने की जरूरत है। इसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जो युवा जॉब की तलाश कर रहे हैं, आज उनकी अच्छी जगह पर नौकरी लगने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में काम पूरा करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों का सहयोग पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आज आपको किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। आज आपका मन पूजा पाठ में भी रहेगा। पैसों के मामले में कोई कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह से जांच कर ले। आज बच्चों और परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको किसी न किसी चीज की कमी महसूस हो सकती है। मूलांक 2, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। मूलांक 3, आपका दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से बीतेगा। जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। मूलांक 4, आज किसी मित्र के पारिवारिक मामलों में आपकी राय काम आएगी। मूलांक 5, आज किसी भी परिस्थिति में अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मूलांक 6, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मूलांक 7, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। मूलांक 8, व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा सफल होगी। मूलांक 9, आज आप दूसरों के सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की पूरी कोशिश करेंगे। वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे कि आईने के द्वारा आप किन किन जगहों का वास्तु ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में बेसमेंट बना है, या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में थोड़ा नीचा है, या पूर्व दिशा में कुछ कटा हुआ है, या आपका नॉर्थ ईस्ट कुछ कम है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपके घर का कोई हिस्सा असामान्य शेप का या अंधकार युक्त हो तो वहां कटे या बढ़े हुए हिस्से में दर्पण यानी आईना लगाकर ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर के बाहर कोई बिजली का खंभा, ऊंची इमारत, अवांछित पेड़ या फिर धरती पर नुकीले उभार हैं, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर उसकी तरफ एक ऐसा मिरर लगाइए जिसमें उसकी इमेज रिफ्लेक्ट हो जाए। पाकुआ मिरर कहते हैं उसको। पाकुआ मिरर अष्टकोणीय लकड़ी के फ्रेम में होता है जिस पर धागे से हुई कारीगरी भी मिलती है। ये फ्रेम अधिकतर लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंग का होता है। वास्तुशास्त्र में ये जो चर्चा है इसको ध्यान रखिए। नॉर्थ ईस्ट अगर कम है तो वहाँ आईना जरूर लगाना चाहिए, और अगर आपके घर में बेसमेंट है तो नॉर्थ ईस्ट में आईना जरूर लगाइए, और अगर बेसमेंट नैऋत्य कोण में तो वैसे तो साक्षात विषय, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आईने लगाकर और उसको गहरा दिखाकर, उसको बड़ा दिखाकर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इस आईने का इस्तेमाल कैसे करें ये आज हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करें। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 6:28 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आप लोगों को पता है हुआ कि प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि मनाने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की तिथि बताया गया है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा इस दिन जो भक्त
मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। लिहाजा आज मास शिवरात्रि का व्रत करके और कुछ खास उपाय करके आप कैसे अपने जीवन में सारे कार्यों को सफल बना सकते हैं और समस्याओं का समाधान पाकर अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:10 तक वज्रयोग रहेगा। वज्रयोग का अर्थ है कठोर। इस योग के दौरान वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इस योग में सोना और कपड़े खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वस को 7वां नक्षत्र माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र को सौभाग्य का सूचक भी माना जाता है। दरअसल इस नक्षत्र का अर्थ ही पुनः सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी राशि मिथुन है। इसके अलावा बाणों से भरे हुए एक तरकश को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वस नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि मिथुन हो, उन लोगों को जीवन में लाभ सुनिश्चित करने के लिए आज बांस के पौधे या उससे बनी किसी अन्य चीज को नमस्कार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आज शाम 6:29 से शुरू होकर कल सुबह 6:50 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। लेकिन जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, मकर या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता। भद्रा जिस लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी होती है। आपको यहाँ बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान, यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नए बिजनेस की शुरुआत आदि शुभ कार्य, यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले जो रीति रिवाज हैं, ये सब नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करना चाहिए, जैसे राजनीतिक कार्य के लिए अच्छा है, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए अच्छा है, सीमा पर युद्ध के लिए अच्छा है, ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, अग्नि से संबंधित कार्य शुभ है, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए अच्छा है, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, वाहन खरीदने के लिए ऐसा समझा जाता है। लेकिन हम वाहन खरीदना रिकमेंड नहीं करते। और दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज मास शिवरात्रि व्रत, वज्रयोग, पुनर्वस नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज मास शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको शिव शंभू के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 जप करना चाहिए। मंत्र है शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आप अपने कार्यों में शुभ फल पाना चाहते हैं, तो आज आपको बेलपत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। आज स्नान के बाद शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं और हर बार बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी के बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है, तो उससे उनके बिजनेस की गति रुक गई है, तो आज आपको काली गुंजा के 11 दाने लेकर उन्हें भगवान शिव के हाथों से स्पर्श कराना चाहिए। फिर उन दानों को अपने जीवन साथी को देकर उनसे कहें कि उन्हें अपने पास संभाल कर रख लें। अगर आप अपने बच्चों का जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आज आपको थोड़े से सफ़ेद फूल लेकर उन्हें अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श कराना चाहिए और उनकी माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। अगर हो सके तो बच्चों को दे दें, उनसे कहें माला बनाकर भगवान को चढ़ाएं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसका ब्रेसलेट बनवाकर हाथ में भी धारण कर सकते हैं। अगर आप समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो आज शाम के समय आपको भगवान शिव की पंचोपचार के साथ पूजा करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय,
ये जो तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै शकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, ये जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है बड़ा ही सुंदर है। आज के दिन करिए, आपको बहुत विशेष लाभ होगा। अगर आपकी अपने पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं बनती है और छोटी छोटी बात पर आपका लोगों से झगड़ा हो जाता है, तो आज आपको उनके घर के सामने से थोड़ी सी मिट्टी लाकर उस पर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्र का 5 माला यानी 540 बार जप करना चाहिए। इसके बाद उस मिट्टी को वापस वहीं रखाइए जहाँ से आप उसे उठाकर लाए हो। अगर आप अपने धन धान्य के खजाने को भरे रखना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान को चावल अर्पित करने चाहिए और चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, सबकी सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो आज आपको अपने घर में महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके उस पर मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। जिस मंत्र का आपको जप करना है वो इस प्रकार है, ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुखीयमामृतात्। अगर आप करियर में खूब सफलता पाना चाहते हैं, तो आज आपको किसी शिव मंदिर के पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करना चाहिए। फिर से दोहरा दूं, अगर आप अपने जीवन में अपने करियर में खूब सफलता पाना चाहते हैं, तो आज आपको किसी शिव मंदिर के ब्राह्मण पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को शीतल रखना चाहते हैं, अपने कार्यों को शांतिपूर्वक बिना किसी परेशानी के करना चाहते हैं, तो आज आपको थोड़ा सा चंदन घिसकर पहले शिवलिंग पर तिलक लगाना चाहिए, फिर उस बचे हुए चंदन से अपने मस्तक पर भी तिलक लगाना चाहिए। अगर आप अपने लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज मास शिवरात्रि व्रत की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में, और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप अपने कारोबार की गति बढ़ाने में सफल होंगे, जिससे आर्थिक मुनाफा भी ज़्यादा होगा। B, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। C, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। D, जो लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। E, अगर आप काफ़ी समय से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा। F, अगर आप किराने की दुकान चला रहे हैं तो आज आपको 2 गुना मुनाफा होगा। G, किसी जरूरी कार्य में आपके पुत्र की मदद मिलेगी, जिससे वो कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। H, अगर आप व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। I, आज के दिन आपके लिए विवाह से संबंधित बातचीत होगी, कोई अच्छा रिश्ता भी आएगा। J, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, साथ ही कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। K, महिलाएं आज ऑनलाइन कुकिंग क्लास ज्वाइन करेंगी, जिससे आप खाने में कुछ सीखेंगी। L, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज आप उसे देखने जाएंगे। M, जो छात्र किताबों की अलमारी खरीदना चाह रहे हैं तो आज खरीद सकते हैं। N, आज के दिन की शुरुआत बेहतरीन होगी, कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। O, आपके कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही हैं, किसी करीबी की मदद से वो रुकावट दूर हो जाएगी। P, लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, पार्टनर से कोई अच्छा गिफ्ट मिलेगा। Q, आज आपको कुछ धन की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन किसी के जरिए धन लाभ के मौके भी मिलेंगे। R, कारोबार में आज कोई नई डील करेंगे, ये डील आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। S, अगर आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं तो आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं। T, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, वाहन लाभ होने के योग बन रहे हैं। U, किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होगी, उसके साथ बातें करके आपको अच्छा लगेगा। V, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप तुरंत अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। W, महिलाएं आज अपने लिए कुछ गहने खरीद सकती हैं, जिससे आप पूरे दिन बहुत खुश रहेंगी।
एक्स। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं वो आज कोई धार्मिक बुक खरीदेंगे। वाई, आज ऑफिस में अत्यधिक कार्य की वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। जेड, विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता और बढ़ेगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज सावन मास की शिवरात्रि है तो हम आपको कराने जा रहे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में केदारनाथ धाम का खास महत्व है, साथ ही ये पंच केदार में शामिल है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। प्रातः काल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है, तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इसी प्रकार सायंकाल में भी श्रृंगार और आरती की जाती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन। जय श्री केदारनाथ। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ऐसे जीवन साथी के बारे में जो आपके घर में आने के बाद आपके सुख संपदा को बढ़ा दे और आपके जीवन में खुशियां बिखेर दे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिसका मस्तक गोलाकार और आंखें चंचल होती हैं, साथ ही जिनके बाल काले होते हैं, वे लड़कियां चेहरे से तो सुंदर होती ही हैं, साथ ही मन से भी सुंदर होती हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत मीठी होती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं उस घर में बरकत ही बरकत होती है। ये अपनी बातों से ही दूसरों को खुश कर देती हैं। इन्हें सजने सौरने में भी बड़ी रुचि होती है, इसलिए इन्हें चित्रणी की संख्या दी गई है। भले ही इन्हें ज़्यादा मेहनत का काम पसंद ना हो, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और समझ से ये हर काम को सरलता से करने की कोशिश करती हैं। इनकी कला के क्षेत्र में भी इनकी रुचि विशेष होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी जिनकी चर्चा, जिनका मस्तक गोलाकार, आंखें चंचल और जिनके बाल काले होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 6:28 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:11 तक रहेगी। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। अतः आज शाम 6:28 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए और उसके बाद कल शाम 7:11 तक तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वस्थ। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में पीला रुमाल रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।